पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि वर्ष 2047 में देश विकसित होकर रहेगा, इस विचार को लेकर चलना है। यह तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर इसके लिए सहयोग करेंगे। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में वेंडर स्कीम के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को 10,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक की धनराशि बिना ब्याज के दी जा रही है। आयुष्मान योजना के तहत देश में 5,00,000 रूपए की धनराशि तक का वार्षिक इलाज गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु योजना को आयुष्मान योजना के साथ जोड़कर गरीब परिवारों की आय 1,80,000 रूपए की है। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी मंगलवार को बबैन ब्लॉक के गांव सैनी माजरा व फालसंडा रांगडान में विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए हैं और करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी की गारंटी वाली सरकार ने किया है। मोदी सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रही है। सरकार डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को अब घर बैठे ऑनलाइन सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। अब लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं है, सरकार खुद उनके पास चलकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। एक ही स्थान पर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 39,00,000 परिवारों के पीले कार्ड बनाए गए हैं। देश के 11 करोड़ किसानों को 6,000 रूपए सालाना सीधा खाते में दिए जा रहे हैं। वहीं 5,00,000 परिवारों को कोविड के समय में सहायता का काम देकर उनका जीवन अच्छा किया गया। कश्मीर में धारा 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाना और 3 तलाक पर कानून बनवाना, साथ ही काशी उज्जैन मंदिरों की कॉरिडोर का निर्माण, सोमनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे धार्मिक तीर्थ स्थलों को भारतमाला योजना के माध्यम से हाईवे जोड़ना, यह बहुत बड़े कार्य हैं। हमारी सरकार ने एक ही विचारधारा के रूप में कार्य किए हैं। उन्होंने सभी को भारत देश के 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ भी दिलवाई। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन भी किया। इस मौके पर एसडीएम नसीब कुमार, बीडीपीओ आशुतोष, सरपंच सुमन सैनी, सरपंच गीता देवी, जसवीर राजेश कुमार, सचिव वीरेंद्र, सचिव संदीप, महेंद्र सिंह मंगोली, मंगोली जटान सरपंच संदीप कुमार, नरेश कुमार, सतवीर मंगोली, नायाब सिंह आदि मौजूद थे। फौजी साहब पैसे आए होंगे, साहब कर जाएगा। अगर मैं काम ले रखे 15 दिन पीछे साहब करना होगा। ये इतनी मौज किसी सरकार ने नहीं की। आयुष्मान कार्ड बना दिए 5,00,000 तक का, और ये भी कर दिया। केवल ये था कि मान ले इस जाति से संबंध रखता है तो आपको लाभ मिलेगा, और मनोहर लाल जी ने ऐसा काम कर दिया। अभी 1,80,000 से जिसकी भी आमदन कम है, चाहे वो जो है ना किसी भी समाज का परिवार है, चाहे वो सैनी है, चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे राजपूत है, चाहे कश्यप है, अगर 1,00,000 से उसकी आमदन कम है, सारी योजनाओं को लाभ मिलेगा। ये आज तक किसने नहीं किया। आज जो है ना मेडिकल कॉलेज MBBS की सीटें पड़े हरियाणा में 700 थी, इन 9 साल के अंदर मनोहर लाल जी ने 2185 सीटें MBBS की कर दी। आज हरियाणा के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज हैं। 2014 तक एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, मनोहर लाल जी ने 9 साल में एक यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी। ITI अपने हल्के में एक नहीं थी, एक ITI जो है ना बलोरपुर के अंदर बनाई, केवल एक नहीं, ऐसी 50 ITI पूरे हरियाणा के अंदर 9 साल के अंदर मनोहर लाल ने बनाई है। बेटियों के कॉलेज अगर पूरे कॉलेज में बताऊं, इन 9 साल के अंदर 77 जो है ना डिग्री कॉलेज, इसमें बच्चे हमारे बेटे बेटी हमारी BSc BCom जो ना BA करती हैं, 77 जो है ना ऐसे डिग्री कॉलेज बनाए हैं, उनके अंदर 30 कॉलेज तो केवल बेटियों बेटियों के कॉलेज हैं। कोरोना की महामारी आई है, सबके टिक्के लगाए फ्री,
अर्जुन सिंह जो कहते मुद्दी के टिक के फिर चोरी लवंदे पकड़े पे, जो जा नहीं सकता था विमान गांव में हमारी स्टाफ नर्स बहनों ने आकर के टीके लगाने काम किया। गरीब आदमी अक्सर व्यक्ति अगर खाने के लिए उसके लिए अनाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के तहत जो ना उसको राशन दे रही है। हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं मैं, आज दुनिया का दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला अगर देश है तो हिंदुस्तान है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर दुनिया का तीसरे नंबर का देश है तो हिंदुस्तान है। आज जो फौजियों के लिए युद्ध की जो आयुध सामग्री हम लोग जो है ना बाहर से मंगाते थे, आज हिंदुस्तान निर्यात करते हैं। आज खिलौने की इंडस्ट्री में भी हिंदुस्तान का नंबर पहले चार पांच देशों के अंदर है। दुनिया की पांचवी आर्थिक ताकत बनाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उन्होंने कहा 2024 में अगर आशीर्वाद देंगे ये हिंदुस्तान जो है ना पूरी दुनिया के तीसरी आर्थिक ताकत बनेगा। सैनिकों के सम्मान की बात अटल जी ने शुरुआत की थी, कारगिल की लड़ाई के अंदर जिन बच्चों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है, इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, उनका पार्थिव शरीर गांव में आया, राजकीय सम्मान के साथ उनके संस्कार किया। अटल जी ने कहा था अगर देश के लिए आप मर मिटते हो, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हो तो आपके परिवार का गुजर बसर मैं करूंगा, मैं ध्यान करूंगा। उनके लिए 10-10 लाख रुपए पेट्रोल पंप गैस की एजेंसियां, उनके नाम से सड़कों के नाम, उनके नाम से स्कूलों के नाम, उनके गाँव के अंदर उन शहीदों की प्रतिमाएं लगाने का काम किया। ये क्यों नहीं कर दिया कांग्रेस ने? बास्ट की चीन की लड़ाई थी, 65 की 71 की दो लड़ाइयां और भी हुई है तीन टोटल, तो क्यों नहीं कर दिया? बीच में भी आतंकवादी गतियों के अंदर हमारे नौजवान जो ना शहीद होते हैं, ये तो उनसे जाकर के पूछो, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है थी। आज मेरे देश के जो भी नौजवान आज सीमा के ऊपर इस देश के प्रहरी बनकर के खड़े हैं, आज सबके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है। आज अगर गोली एक भी चलती है पाकिस्तान से, आज ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। आज जो ना एक के बदले 10 गोलियां चलाने का काम हमारा सैनिक करता है, और ये इनका तो दुर्भाग्य देख लो कैसा दुर्भाग्य है। राम जी का मंदिर, राम जी पवन सैनी का थोड़ी है, सबका है। तो अब उनको निमंत्रण दिया, कोई मोदी जी ने निमंत्रण नहीं दिया, विश्व हिंदू परिषद ने दिया, वहां के राम जन्मभूमि न्यास ने दिया, कहा हम नहीं जाते। अब पता लग रहा है ना क्यों नहीं जाते? उनकी मानसिकता ऐसी है, उनके पारिवारिक संस्कार ऐसे हैं। और मोदी जी ने देखो, योगी जी ने जो भी एयरपोर्ट वहां बनाया अयोध्या में, उसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा। अगर इनकी सरकार बनाती नाम दे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या संजय गांधी एयरपोर्ट, इनको तो और कोई नाम पाया नहीं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे छोड़ो और संजय गांधी पुत्र जो, जवाहरलाल पर छोड़ो तो संजय गांधी पुत्र जो। ये मोदी जी है अपने महापुरुषों के नाम से जिन्हें नाम रखे हैं। आज हिसार के एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन है, आज चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह है, किसी का नाम वीर सावरकर के नाम से रखा। ये नहीं जो संस्थान भी बनाए हमने, अब यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी बनी, अब लाइब्रेरी का नाम रखा जवाहरलाल पुस्तकालय। बताओ पढ़ाई से कोई लेना देना था उसका? कोई जो है ना भी शिक्षाविद था, बहुत बड़ा PhD कर रखी थी उसने, कोई मतलब नहीं। आज जितने भी स्टेडियम है गांव में सबका नाम राजीव गांधी स्टेडियम, कभी खेल में खो खो में कहीं जन डिप पर खेलने में कहीं नंबर नाम आया उसका। ये मोदी मनोहर लाल जी हैं। आज कुरुक्षेत्रा की जो यूनिवर्सिटी है आयुष यूनिवर्सिटी, उसका नाम श्री कृष्ण के नाम से है। आज जो कौशल विकास विश्वविद्यालय फरीदाबाद में, उसका नाम विश्वकर्मा जी के नाम से है। उसके जो रीजनल सेंटर है संत रविदास जी के नाम से। आज सीतपुर के अंदर जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका नाम माना प्रताप के नाम से। किसी मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम से। बलौलपुर के अंदर IIT बनाई, उसका नाम जो है ना महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में फर्क है। और सबको एक समान, मोदी जी ने सबको अनाज दिया, मोदी जी ने उनके लिए 3 तलाक कानून बनाया। अब उस बाप से पूछो ना, उस भाई से पूछो जिसकी बहन को 3 बार तलाक तलाक कह के छोड़ दिया, उस बाप से पूछो जिसकी बेटी को 3 तलाक कह के छोड़ दिया। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन वो बुट्टन के चक्कर में कभी मंदिर में चल जाए थारी बुट्टन कट जाएगा।
सारे थू थू कर रहे हैं उनको। कांग्रेस के बेचारे नहीं कह रहे वोट मांगने किस तरह जाएंगे, हम तो राम मानते नहीं, तम तो राम को काल्पनिक कह रहे थे, तुम तो जो है ना राम सेतु को भी कह रहे थे इसको तड़वाने वास्ता 11-11 वकील खड़े करे, पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन हुए। साथियों बातें बहुत हैं, कहने के लिए बहुत हैं, ये दोबारा इनको कड़ी दरवानी पड़ जाएगी। सुमन एक सोच के कारण एक विकसित भारत संकल्प जन समाज यात्रा जो चल रही है आज उसका पड़ाव गाँव फासणा रांगणा में हुआ है। आप देख सकते हो कितने भारी संख्या में उस यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुँचे। इस यात्रा का ये उद्देश्य है, उसमें एक उद्देश्य ये है पात्र व्यक्ति को मोदी मनोहर लाल जी की जोड़ी ने जो भी उनके लिए कल्याण की योजनाएं चलाई हैं उस योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए और अपना देश विकसित देश बनना चाहिए, उसके लिए संकल्प होने को लेना है। सब नागरिक अपना अपना काम करें, सभी जना इस देश की एकता के लिए काम करें, सैनिकों का सम्मान करें, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, लोकल भार लोकल देश को आत्मनिर्भर बनाएं। ये संकल्प भी जो है ना इस देश को विकसित करने के लिए उसकी शपथ हम लोग दिलवा रहे हैं। जो काम हमारे ग्रामवासियों को क्षेत्र डीसी ऑफिस में जाना पड़ता था आज आप देख रहे सारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। ये सरकार पुरानी सरकार की तरह वोट लेकर के सरकार को ढूंढता था जना मतदाता, आज मतदाता को आज पात्र व्यक्ति को आज सरकार ढूंढ रही है, जहाँ मिल जाता है उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। ऐसे हमारे अधिकारी सबका समाधान कर रहे हैं।